आज हम लोग साइंस में कल की क्लास में कुछ मीनिंग देख चुके थे, उसी तरह से आज की भी क्लास में हम लोग साइंस का कुछ कुछ मीनिंग देख लेंगे। जो मीनिंग आप लोग का साइंस में है उसको हम लोग आज नोट कर लेंगे और उसको फिर क्या कीजिएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, मीनिंग जरूर याद कीजिएगा बच्चों। ठीक है, मीनिंग पर हम इतना जोर इसलिए दे रहे हैं ताकि आप लोग को जब हम पढ़ाएं तो आप लोग को सभी चीज़ों को अच्छे से समझ में आए। ठीक है बच्चों, चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हियर, हियर मीन्स होता है क्या बच्चों? सुनना। क्या होता है? सुनना। उसके बाद है डिफरेंस। डिफरेंस मीन्स होता है बच्चों अंतर। ठीक है, नंबर 3 में लाउड, LOUD, लाउड मीन्स होता है जोर। नंबर 4 में सॉफ्ट, SOFT, सॉफ्ट मीन्स होता है मुलायम। सॉफ्ट मीन्स क्या होता है बच्चों? मुलायम। नंबर 5 में आते हैं साउंड, SOUND। साउंड मीन्स क्या होता है बच्चों? आवाज। क्या होता है? आवाज। साउंड मीन्स क्या होता है? आवाज। नंबर 6 में आते हैं सार्प, SHARP। सार्प मीन्स क्या होता है बच्चों? सार्प मीन्स होता है तेज। क्या होता है? तेज। नंबर 7 में इनसाइट, INSIDE, इनसाइड मीन्स होता है के भीतर। उसके बाद है नंबर 8 में बाइट, BIT, बाइट मीन्स होता है, इट मीन्स होता है काटना, बीट मीन्स काटना होता है, बाइट नहीं होता है, बीट होता है, बीट मीन्स काटना। उसके बाद आते हैं च्यू। च्यू मीन्स क्या होता है बच्चों? चबाना। च्यू मीन्स क्या होता है? चबाना। उसके बाद है च्यू मीन्स क्या होता है? चबाना। ठीक है, उसके बाद नंबर 10 में लिखेंगे च्यू मीन्स चबाना होता है बच्चों। और जम्स मीन्स होता है, जम्स नहीं, गम्स मीन्स होता है मसूड़ा, मसूड़ों, मसूड़ों। नंबर 11 में लिखेंगे माउथ मीन्स क्या होता है बच्चों? माउथ मीन्स होता है मुंह, माउथ मीन्स मुंह होता है। ठीक है, और आगे अब लिखेंगे नंबर 12 में, नंबर 12 में लिखेंगे स्वीट, SWEET। स्वीट मीन्स यहाँ क्या हो जाएगा? मीठा। ठीक है, स्वीट मीन्स क्या होता है? मीठा। स्वीट मीन्स क्या होता है बच्चों? मीठा। चलिए इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे, अब हम लोग आगे मीनिंग को लिखते हैं। ठीक है, आप लोग को जहाँ वीडियो भागने लगे बच्चों, आप लोग को क्या कर लेना है? उसको रोक लेना है, और रोककर क्या करना है? फिर से आप लोग ना प्ले कर लेना है और देख लेना है। ठीक है, जहां पर वीडियो भागने लगे वहां पे वैसे करना है आप लोग को। ओके, चलिए आगे देखेंगे। नंबर 11 तक हो चुका था शायद, नंबर 12 में देखेंगे। स्वीट मीन्स क्या होता है? होता है खट्टा। आप लोग नोट कीजिएगा ढंग से। 13, बिटर मीन्स होता है क्या? बीटा मीन्स होता है कड़वा। बीटा मीन्स क्या होता है? कड़वा। नंबर 14 में साल्टी मीन्स क्या होता है? साल्टी मीन्स होता है नमकीन। साल्टी मीन्स क्या होता है? नमकीन। टंग, टंग मीन्स होता है क्या बच्चों? टंग मीन्स होता है जीव। टंग मीन्स क्या होता है? जीव। नंबर 16 में
स्पीक मींस क्या होता है? स्पीक मींस होता है बोलना। क्या होता है बच्चों? बोलना। नंबर 17 है बोलना। वर्ड मींस क्या होता है? वी ओ आर एन। वर्ड मींस होता है जन्म। ठीक है, क्या होता है? जन्म। नंबर 18 में लिखेंगे आर। आर मींस क्या होता है बच्चों? आर मींस होता है बाजू या बांह। ठीक है, हम लोग बाजू ही लिख देते हैं। नंबर 19 में फोर आर मींस क्या होता है? FORE, फोर आर मींस होता है बांह की कलाई। क्या होता है? बांह की कलाई। नंबर 20 में है थाई, THIGH। थाई मींस क्या होता है बच्चों? थाई मींस होता है जांघ। तो ये आज कुछ मीनिंग जो हम लिखवाएं वो ये भी आप लोग का एक्सरसाइज वन का ही था। आइए एक्सरसाइज वन का कुछ मीनिंग था। जैसे जैसे देखिए बच्चों, पहले भी लेसन में हम लोग आए हैं ना, इसलिए थोड़ा सा मीनिंग ज़्यादा हो रहा है। जैसे जैसे हम लोग याद करते हुए चलेंगे, तो जैसे कि अगले एक्सरसाइज में आप लोग का थाई आर्म या स्पीक आएगा, तो सब क्या करेंगे? हम लोग लिखवाएंगे। तो इसलिए पहला कुछ कुछ लेसन जो रहेगा उसमें थोड़ा सा मीनिंग ज़्यादा होगा ही। फिर जैसे जैसे आप लोग को हम मीनिंग लिखवाते जाएंगे, याद आप लोग करते जाइएगा, तो हमें मीनिंग लिखवाने की आवश्यकता फिर कम पड़ने लगेगी। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल में आप लोग को अधिक से अधिक मीनिंग हमको लिखवाना होगा और आप लोग को याद करना होगा। ठीक है, आप लोग को अधिक से अधिक मीनिंग हम लिखवाएंगे, आप लोग को अधिक से अधिक मीनिंग याद भी कर लेना है। आप लोग को जितना ज़्यादा हो सके मीनिंग याद कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, इसे आप लोग अपने फेयर कॉपी में नोट कीजिएगा और नोट करके क्या कीजिएगा, भेजिएगा। और साफ साफ बच्चों में बच्चों बिल्कुल साफ साफ लिखिएगा। तो आज आप लोग का होमवर्क में क्या रहेगा? आज आप लोग का होमवर्क में हो जाएगा बच्चों, साइंस में एक्सरसाइज वन का आप लोग को मीनिंग मेमो करना है। मीनिंग मेक और मेमो करना है। क्या करना है? पहले मेक करना है, उसके बाद मेमो करना है। ठीक है, साइंस में आप लोग को मीनिंग मेक और मेमो कर लेना है। ठीक है बच्चों, ओके।